सुकमा जिले के जगरगुंडा थाना क्षेत्र के ग्राम टेकल गुड़ेम में माओवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में 3 जवान शहीद हो गए, वहीं 15 जवान घायल हो गए हैं, जिनका इलाज रायपुर के अस्पताल में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अस्पताल पहुंचकर घायल जवानों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। मुख्यमंत्री साय ने चिकित्सकों को जवानों के बेहतर इलाज के निर्देश भी दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि अब नक्सलवाद के साथ लड़ाई तेज होगी। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि मैं उन सभी जवानों को सलाम करता हूं जो कल बीजापुर सुकमा सीमा पर जूनागुड़ा और अलीगुड़ा के पास नक्सलियों के साथ गोलीबारी में शहीद हो गए। राज्य सरकार और केंद्र सरकार हमेशा उनके परिवार के लिए मौजूद है। जवानों से किस तरीके की स्थिति है? आज सुकमा जिले के अंतर्गत टेकुलगुड़ा के पास नक्सलियों से हमारे जवानों का मुठभेड़ हुआ और बहुत साहस के साथ हमारे जवानों ने मुकाबला किया, लेकिन जैसे हम लोग उन लोगों से मिले तो भारी संख्या में वो लोग थे और देसी बम का बहुत उपयोग कर रहे थे। और टेकुलगुड़ा में आज ही सुरक्षा कैंप स्थापित हुआ था और सुरक्षा कैंप वहां के लोगों की सुख सुविधा के लिए सरकारी जो योजनाएं हैं उन तक पहुंचे इसके लिए स्थापित होता है। और ये नहीं चाहते हैं नक्सली की सुरक्षा कैंप स्थापित हो। और चूंकि अब डबल इंजन की सरकार है और जब से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है नक्सलियों के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये लोग बौखलाए हुए हैं और एक कायराना हरकत किए हैं और आज की घटना में 3 जवान शहीद हुए हैं, 14 जवान घायल हुए हैं और 14 में से 4 जवान यहां पर नारायणा हॉस्पिटल में एडमिट हैं, 4 जवान बालाजी हॉस्पिटल में और 6 जवान जगदलपुर में हैं। और आज हम गृह मंत्री जी, हम केदार जी सब घायलों से यहां पर मुलाकात किए हैं और जो उनकी आपबीती सुने हैं, बहुत मजबूती के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी है और निश्चित रूप से अब नक्सलियों का अंत समय आ गया है और हमारी डबल इंजन की सरकार आने वाले समय में नक्सलवाद को बिल्कुल समाप्त करेगी। सर, उनकी तरफ से भी कोई कैजुअल और उसके बिना उस क्षेत्र में उस पूरी जनता के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए ये सारी सुविधाएं पहुंचाना असंभव है। तो ये जो कैंप है ये विकास के कैंप हैं। जो कुछ हुआ है कल उसमें हमारे जवान शहीद हुए हैं, उनके चरणों को छूकर नमन करता हूं और सरकार हर समय उनके परिवार के साथ होगी, राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार में जो कुछ प्रावधान है, बहुत अच्छे प्रावधान है, वो सारे प्रावधान पूरे किए जाएंगे। परंतु कल की घटना का विषय ये है कि एक बड़ी जीत जवानों ने दर्ज की है। उस स्थान पर जहां कुछ भी जाना संभव नहीं था वहां पर अब विकास का कैंप लग रहा है। जिस तरह से लेकिन घटना की पिछले बुधवार मैं आपसे वही कहना चाह रहा हूं, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का, अमित शाह जी का रायपुर का प्रवास, उनकी स्पष्ट नीतियां और उनके माध्यम से जो अभियान चलाए जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ की सरकार की स्पष्ट नीति है इस विषय पर। पिछले बार का मैं आपको आंकड़ा दूंगा कि 209 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें 5 साल तक ईंट नहीं रखा गया उसमें। क्यों नहीं रखा गया भाई?